हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आप देख रहे हो स्टडी विद कंफर्ट, और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। सो वुमेन एम्पावरमेंट को मैं शुरू करने से पहले अपने पूरे वीडियो का ओवरव्यू दे देना चाहूँगी कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या जो डायमेंशन है वुमेन एम्पावरमेंट की वो डिस्कस करेंगे। तो पहला हम बेसिक इंट्रोडक्शन कि वुमेन जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देन व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट से मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट कितने तरीके के होते हैं, फिर इंडिया में जो फेमिनिज़म की जो ये वेव्स चली हैं उनको जो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है उसे हम देखेंगे। देन साथ में ही देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। देन हम बात करेंगे कि जो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने के बाद भी अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है वुमेन एम्पावरमेंट का, क्या करंट एरियाज ऑफ कंसर्न हैं जिसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट एक रेलेवेंट इशू बना हुआ है, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इस जो प्रॉब्लम्स हैं या जो एरियाज ऑफ कंसर्न हैं इन्हें टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं ऑलरेडी। देन देखेंगे कि इसके बाद भी अभी भी क्या किया जाना आवश्यक है, राइट, व्हाट आर दी स्टेप्स नीड टू बी टेकन जिससे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को और स्ट्रेंथन कर पाएँ। देन हम अपने आंसर को दिस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारा ओवरव्यू रहेगा आपके डिस्कशन का आज हमारे जो इस वीडियो को है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम देख रहे हो ना, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो मैं चाहूँगी कि जब आप अपना इस टॉपिक पे आंसर शुरू करना तो इसको मेंशन करते हुए इंट्रोडक्शन लिखना कि हम जो ईव ऑफ द 75th इंडिपेंडेंस डे या आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम वुमेन एम्पावरमेंट में एक कम्प्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो ये 50% हमारी पॉपुलेशन है, चाहे वो वर्ल्ड की हो चाहे इंडिया की हो, क्यों मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों पीछे रह रही है, हमें क्यों इनके एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ रही है, क्यों हमें इनकी जो इक्वालिटी पे लाने की बात करनी पड़ रही है, इसके रूट कॉजेस क्या हैं। तो अगर हम समझें इसे तो आप देखोगे कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, जिसे हम मोनोलिथिक पीरियड कहते हैं, या जो प्री जो इंडस सिविलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडस सिविलाइजेशन के पहले का जो टाइम पीरियड था, जब हिस्ट्री मतलब रिटन नहीं थी, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिलता ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, ओके तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो ह्यूमन लाइफ की जब शुरुआत हो जाती है, इंसान ने आग डिस्कवरी की, पहिए का डिस्कवर किया, और फिर धीरे धीरे एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, एग्रीकल्चर डिस्कवर किया, राइट, तो और घर बनाने शुरू किए, गुफाओं से निकलकर अब एक वो सेटल्ड कॉलोनी बनाने लग गए। तो इस टाइम पीरियड में जब आप शुरुआत होती है ह्यूमन लाइफ, तो नेचर ने जो पावर, जो मैस्कुलाइन पावर थी वो मेन को ज़्यादा दी। तो उस समय फूड को कलेक्ट करना, राइट, ये फूड को कलेक्ट करना एक टफ टास्क होता था, डिफ़िकल्ट टास्क होता था, क्योंकि आपको जंगलों में जाकर लेकर आना है, और जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स रहते थे जो लाइफ के लिए डेंजरस थे। तो ऐसे उसमें मेन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फूड कलेक्ट करते थे। देन घर में आकर जो ये वुमेन थी, ये जो बच्चे थे उनकी रेयरिंग करना, उनकी टेक केयर करना, फूड का मैनेजमेंट करना, तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर था, राइट, डिवीज़न ऑफ वर्क अगर हम कहें यहाँ पर, तो कि आप फूड कलेक्ट कर रहे हो, हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ सिंपल डिवीज़न था। बट इस आप देखोगे कि दिस इज़ द ह्यूमन नेचर, जैसे जैसे इंसान का ह्यूमन जो रिसोर्सेज थे ना, जैसे कि अब मेन बाहर जा रहे हैं तो जो फूड है या जो रिसोर्सेज हैं उन पे धीरे धीरे इनका कंट्रोल करना शुरू हो गया, कंट्रोल लेना शुरू कर दिया, और जब कंट्रोल आ जाता है तो यहाँ पर
सुपीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है इनइक्वालिटी की, आपकी मेज़र तरीके से। तो धीरे धीरे मेन का डोमिनेंस शुरू हो गया रिसोर्सेज पर, और वुमेन उनका सिर्फ मैनेजमेंट देखने लग गए, टेक केयर करने लग गए फैमिली का। तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर था, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होता गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुत ही ग्रेजुअल हुआ ये। और इसका असर ह्यूमन बिहेवियर पर भी हुआ। और जब ह्यूमन बिहेवियर, मतलब आप या नोइंगली या अननोइंगली अपना ह्यूमन बिहेवियर भी इस डोमिनेंस के आधार पर शुरू कर दिया, राइट, तो इस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी आता है सोसाइटी में। आप देखोगे कि जिस तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट एग्जांपल ये सती प्रथा आप देख रहे हो, आप भूल नहीं सकते हो इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को ज़रूर मैंशन करना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अभी प्रेजेंट में जो वुमेन एम्पावरमेंट या स्ट्रॉन्ग वुमेन के एग्जाम्पल्स हैं, जो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं सिर्फ मेन पे ही पावर होती है या मेन ही कैपेबल होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स करने के लिए, राइट। तो ये चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से बहुत सारे नाम आप मेंशन करिएगा अपने आंसर्स पे। तो ये एक था बैकग्राउंड आपको देने के लिए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो बात आती है, जब यूएन का कहना है, यूएन की रिपोर्ट आप देखेंगे तो 50% ऑफ दी वुमेन हमारे जो हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा है, बट जो वेल्थ जनरेशन होती है उसका 10%, जो 10% भाग है वही वुमेन तक पहुंच पाता है, या वुमेन उसको एक तरीके से ओन कर रही हैं। या जो प्रॉपर्टी है वर्ल्ड पे उसका 1% ही रजिस्ट्रेशन वुमेन के नाम है, या वुमेन ओनर है उस प्रॉपर्टी का, 50% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड देर इज़ अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन इन दी रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, ओके। तो आप देखोगे अपने जो इंट्रोडक्शन लिखोगे तो उसमें लिखोगे कि हाफ ऑफ द कंट्री का जो सिटीजनशिप है, जहाँ जो वुमेन जिसका पार्ट है, राइट, बट स्टिल दे आर लैकिंग इन देयर, या तो उनको रिसोर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो नहीं मिल रहा है, राइट, या तो उन्हें ऑनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी राइट्स की, या तो डिग्निटी के साथ उन्हें लाइफ जीने को नहीं मिलती अपॉर्चुनिटीज़, इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम एंड लिबर्टी इंजॉय नहीं कर पाते हैं वो अपने। तो ये कहा जाता है यूएन के द्वारा कि फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ द हाफ अ बिलियन पॉपुलेशन, मतलब जो हमारे सिटीजनशिप का आधा प्रपोर्शन है उसका अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम इंडिया का फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दैट। सो अगर जिस तरीके से हम $5 trillion इकोनॉमी का टारगेट रख रहे हैं और इसे अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं हमें वुमेन को भी इसका हिस्सा बनाना होगा, वुमेन को भी स्किल्स देनी होगी, एजुकेशन देनी होगी, ताकि वुमेन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जा सके आपके हमारे इकोनॉमी में। देन धीरे धीरे सोशल एम्पावरमेंट करना होगा ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इक्वल से हो पाए वुमेन का, राइट। सो अगर हमें सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है तो इट इज़ नेसेसरी कि हम जो हमारी हॉप पॉपुलेशन है उसका डेवलपमेंट करें। एंड यहाँ से ज़रूरत पड़ती है सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ऑफ दी वुमेन, ओके। सो कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो आपका 1975 से 1985 का जो डेकेड था, ये डेकेड फॉर वुमेन सेलिब्रेट किया। अब इस तरीके के जो स्टेप्स या एफर्ट्स लिए गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या इंडिया के द्वारा ही क्यों ना हो, तो इससे क्या है, एक अवेयरनेस जनरेट होती है लोगों के अंदर, ये मतलब प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों को, और कहीं ना कहीं कैंपेन के थ्रू हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। फिर 2001 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट डिक्लेयर किया गया था और इसे इंडिया ने भी अडॉप्ट किया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने आंसर पे मेंशन करोगे। देन वुमेन एम्पावरमेंट का, हाँ, सो ये एक क्वेश्चन है, मैं जो मैंने आपके इस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बुकलेट से लिया है, जो बीए के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल प्लेड बाई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, राइट। सो भारतीय प्रशासन द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण में निभाई गई भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब डिपेंड करता है कि आप ये आंसर कितना अच्छा लिख पाते हो।
लिखने को तो वुमेन एम्पावरमेंट में आप पूरी एसे पूरी बुक भी लिख सकते हो, बट डिपेंड करता है कि एक क्वालिटी आंसर्स जो हमें मान लीजिए 5-6 पेजेस के आंसर लिखने हैं उसमें हम कितनी क्वालिटी इन्हेंस कर पाएं। सो फॉर दिस यू नीड टू डाइवर्सिफाई द डायमेंशंस ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट में सिर्फ सोशल इशूज़ ही नहीं लिखने हैं आपको, आपको पॉलिटिकल डायमेंशन भी इंक्लूड करनी है, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, राइट, इंटरनेशनल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, सारे डायमेंशन इंक्लूड करने। अभी मैं आपको उसका डेमो भी दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो एक ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप लिख सकते हैं अपने जो आंसर है उसकी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, इसे समझते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट आखिरकार होता क्या है। तो एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप सामने वाले को डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें से देना, कि नहीं आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो आपका ओपिनियन है उसे भी कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप जो पर्सन है जो जिसका एम्पावरमेंट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर वोमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें उन्हें पावर आउट देना, मतलब पावर देना जिससे कि वो डिसीजंस ले सकें। और वो डिसीजन किस कंसर्न में हो सकते हैं, कुछ भी, वो उनके हेल्थ के रिगार्डिंग में हो सकते हैं, वो वुमेन कैरियर, वुमेन एजुकेशन, या वुमेन फैमिली, वुमेन मैरिजेस, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जो फ्रीडम एंड लिबर्टी देना, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं इम्पावर्ड हूँ, मैं इम्पावर्ड अपने आप को तभी कंसीडर कर पाऊंगी ना जब मुझे अपने कैरियर, अपने एजुकेशन, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें डिसीजन लेने का हक मेरा होगा। दैट वुड बी माई डिसीजन ना, कि मुझे अपने एजुकेशन, अपने कैरियर के लिए क्या डिसीजन लेना है। आप जो जो सराउंडिंग पीपल्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो आपको ओपिनियन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिसीजन लेने की जो पावर है वो मेरे पास है। देन ओनली आई कैन से दैट कि आई एम एम्पावर्ड एनफ। तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग कि आपके पास चॉइस है, और आपके पास ये चॉइस है कि आप एजुकेशन में BA चूज़ कर रहे हो, BTech चूज़ कर रहे हो, मेडिकल फील्ड चूज़ कर रहे हो, फैशन इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हो, एक्टिंग इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हो, क्या चूज़ कर रहे हो आप। ओके, सो दिस इज़ द एम्पावरमेंट। ओके, सो वुमेन एम्पावरमेंट एक तरीके का वो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिवाइड बिटवीन द मैन एंड वुमेन, राइट। पॉलिटिकल डिवाइड, जो भी डिवाइड ये है कि आप जहाँ पर कि ये वुमेन के काम है, ये मेन के काम है, इस तरीके की चीज़ों को हम जो ये जो डिवाइड है इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट। अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ना अगर हमें वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो वुमेन एम्पावरमेंट के टाइप्स की बात की जाए अगर, तो पहले तो सोशल एम्पावरमेंट, ये डायमेंशंस जो मैंने यहाँ मेंशन की है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज डायमेंशन। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट में आंसर लिखोगे तो दीज मल्टीपल डायमेंशन शुड बी इन योर आंसर, ओके, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सोशल एम्पावरमेंट, तो सोशल एम्पावरमेंट में क्या किया जा सकता है, जो भी जैसे सोशल इशूज़ हैं, राइट, उन वहाँ पर उन्हें डील करना, राइट, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, राइट, या बहुत सारे सोशल डायमेंशंस होते हैं, सोशल एरियाज होते हैं जिसकी वजह से, जिन्हें हम वुमेन को जहाँ पर इक्वल से दे सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैरिज लेते हैं, एक सोशल इशू है ना कि शादी करनी है। सो आप देखोगे कि जो गर्ल्स हैं उनमें ज़्यादा, इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, कि गर्ल्स पे ज़्यादा प्रेशर होता है मैरिज का एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। सो बॉयज़ का हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर एज तक बॉयज़ में प्रेशर नहीं आता शादी करने का, बट गर्ल्स में आने लगता है ना कि अब पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई, बंद करें, आपका कैरियर बन गया, चलिए आप भी आपका शादी कर देते हैं, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स अबाउट दी सोशल एम्पावरमेंट, राइट, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको सब पता है कि जो रिप्रेजेंटेशन देना वुमेन को, राइट, चाहे वो लेजिस्लेचर में हो, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स में हो, तो दिस इज़ द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उसमें वुमेन को इक्वल से देना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं वोटिंग का ही,
तो वोट किसे करना है, आप देखोगे कि जो घर का मेल मेंबर है, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जो आपके फादर हैं वो बोलेंगे कि नहीं इस पार्टी को वोट करना है, इस कैंडिडेट को वोट करना है, तो आपकी माँ जाएंगी, माँ बहनें जाएंगी और उसी को वोट देकर आ जाएंगी। लेट देम डिसाइड ना कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, तब हम कहेंगे कि पॉलिटिकल इम्पावरमेंट हो रहा है। दूसरा, आप देखोगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 1/3 रिजर्वेशन तो दे दिया गया है वुमेन कैंडिडेट, वुमेन को चेयरपर्सन में, लेकिन स्टिल वो सरपंच पति आपने सुना होगा, प्रधानपति, राइट? अगर आपने अभी रिसेंट में कौन सी सीरीज़ आई थी, अरे वो पंचायत पे नीना गुप्ता जी की सीरीज़ है, जो मुझे अभी नाम रिकॉल नहीं कर, पंचायत ही नाम है, राइट? हाँ, पंचायत सीरीज़ देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो नीना गुप्ता जी हैं वो एक प्रधान लेडी का रोल प्ले कर रही हैं, बट डिसीज़न उनके सारे कौन ले रहे हैं, हस्बैंड ले रहे हैं ना। कोई आता है प्रधान जी कहाँ हैं, तो वो बोलती हैं कि प्रधान मैं ही हूँ, प्रधान बताइए, तो कहेंगे नहीं, प्रधान जी से काम है, जबकि वो लेडी खुद प्रधान है, बट स्टिल उस काम सारे कौन देख रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है, उनके हस्बैंड ले रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रधानपति कल्चर। तो अगर वो जो लेडी है वो अगर डिसीजन लेना शुरू कर दे, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव वो है ना जनता की, तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल इम्पावरमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप देना, गेटिंग इट, एंड दीज आर द सीरीज जो इस तरीके के इश्यूज को ना सामने लाती हैं, राइट? हाईलाइट करती हैं कि इस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं। देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारे बैरियर्स हैं, जो जो रोल जो जेंडर रोल्स हैं उनको, तो वुमेन का जो ट्रेडिशनल रोल है, आपको पता है कि सिर्फ फैमिली में वही चीज़ें मैनेज करना, जो हमने प्री हिस्टोरिक सोसाइटी का देखा कि घर में फूड मैनेज करना, बच्चों की टेक केयर करना, पेरेंट्स की टेक केयर करना, हस्बैंड की टेक केयर करना, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल रोल। तो इस काम के लिए इन्हें पे तो नहीं मिलती है ना। अगर हस्बैंड बाहर जाता है, कोई काम करता है, तो उसके लिए उसे पे मिलती है, उसे सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। तो अब इस तरीके से वुमेन क्या है, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रहती हैं हस्बैंड में, बट दो की वो पूरे टाइम बिजी रहती हैं, एनर्जी लगाते हैं, अपने काम करते हैं, राइट? सो इक्वल एक्सेस टू वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ज़रूरी है, और वुमेन को भी ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो बाहर जाकर अर्न करें, साल अपनी इन वेजेस कमाएं, या उनको पे मिले उनके काम के लिए, तभी हम कह पाएंगे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है। देन साइकोलॉजिकल इम्पावरमेंट, सी वुमेन जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं किसके प्रति, अगर हम देखें क्राइम्स जैसे हरासमेंट हो गया, या वर्क प्लेस पे जो जो वर्क प्लेस हरासमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन, रेप, ऑनर किलिंग, ये जैसे, या ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो साइकोलॉजिकल इम्पावरमेंट भी वुमेन करना है कि वो इतनी स्ट्रांग हों कि वो नो कह सकें ना, एक एक लाउड नो, राइट? और अपनी जो सेफ्टी है उसके प्रति वो डिसीजन ले सकें, अलर्ट रह सकें, इतना उन्हें ट्रेन किया जाए, एम्पावर किया जाए। देन एजुकेशनल एम्पावरमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट, ये सब चीज़ें। देन आप टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, डिफेंस, ये भी डायमेंशन जोड़ सकते हो। तो टाइप्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन ये भी आपको करना है अगर क्वेश्चन आता है इससे, और ये मल्टीपल डायमेंशन ज़रूर करना, फिर से मैं कहूँगी। इसके बाद से देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म इन इंडिया अगर देखा जाए तो उसको मेजरली 3 फेज में डिवाइड किया गया है। एक 1850, 1950, मतलब गांधी के बिफोर गांधीयन एरा, देन गांधीयन एरा, एंड इसके बाद से पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो बिफोर जो गांधीयन एरा थी, आप देखेंगे कि बहुत सारे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, या डी डी कर्वे, सावित्री बाई फुले, ये सारे काम कर रहे थे, बट ये वो फेज था जब जो वुमेन इक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मेन आवाज़ उठा रहे थे। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वुमेन ने भी इन्हें ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अरे फिर गांधी नेरा में और अंबेडकर, इस समय देखेंगे कि आप किस तरीके से इन्होंने वुमेन पॉपुलेशन जो हाफ ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें इम्पावर करने की बात की। तो इस तरीके से फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी देखेंगे कि बहुत सारे डिसीजन लिए गए, फिर लेजिस्लेशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, फिर चाहे वो विशाखा गाइडलाइंस के रूप में क्यों ना हो, और बहुत सारे लॉ बनाए गए पार्लियामेंट के द्वारा, राइट? और बहुत सारे जो कमीशन इस्टेब्लिश किए गए, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया 1992 में, वुमेन मिनिस्ट्री, तो इस तरीके से चीज़ें की गई। तो हम इन्हें डिटेल में अभी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट।
सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में? तो प्रिंसिपल ऑफ जो जेंडर इक्वालिटी है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. अब वेरियस आर्टिकल्स हैं, जैसे कि हम जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू जो 18 है, उसमें से आर्टिकल 14, 15 एंड 16, दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की. हमारे फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ हो, राइट, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी जो वेरियस कैटेगरीज, वेरियस ग्राउंड्स थे उसके अगेंस्ट में आर्टिकल 15 हो गया आपका, राइट, फिर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिकल 16 हो गया आपका, राइट. इसके बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी किया गया है इस को अडॉप्ट किया गया. देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है लोकल एंड अर्बन जो लोकल बॉडीज़ हैं उस पे. सो आर्टिकल 243 टॉक्स अबाउट द 1/3 रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. देन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, दो देयर इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उनके लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सके. तो वुमेन को रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सके वुमेन के लिए. ओके, सो दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आप अपने आंसर में ज़रूर मैंशन करना जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट में आंसर लिख रहे हो, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मिस करेंगे. वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे, वेरियस स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हो सकता है ये डायमेंशन मेंशन कर दें. अगर आप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा और एडिशनल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे. फर्दर चलते हैं कि करंट एरियाज ऑफ कंसर्न क्या हैं. हाँ, हम क्यों इतना वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, क्यों एक इशू बना हुआ है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी इज़ अ ग्लोबल इशू, बट एज फार एज द इंडियन सोसाइटी इज़ कंसर्न, हमारे यहाँ ज़्यादा वल्नरेबल है, राइट. अब देखो क्यों है ये, कि रिप्रेजेंटेशन कुछ एरियाज़ लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन पहले लेंगे. यहाँ पर फिर आपको जो कंसर्न ये दिखाने हैं ना, ये वेरियस डायमेंशन के दिखाने हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एजुकेशन, हेल्थ, जो सोशल इश्यूज़ हैं उन्हीं को लिख दिया. जो वुमेन के कंसर्न है वो वेरियस डायमेंशंस में है. जैसे कि एक डायमेंशन हो गया आपका पॉलिटिकल, देन सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, डिफेंस, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, दीज आर द वेरियस डायमेंशंस, इंटरनेशनल. सो दीज आर द वेरियस डायमेंशंस जो आपको इंक्लूड करनी है, राइट. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इन लेजिस्लेचर, तो आप देखोगे कि एज ऑफ द अक्टूबर 2021 तक जो इंडियन लेजिस्लेचर है उसमें 10.5% रिप्रेजेंटेशन है फीमेल्स का, और लोकसभा की बात की जाए तो वोमेन रिप्रेजेंट करती हैं 14.44% ऑफ द टोटल मेंबर्स, जबकि पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 50%, 49 समथिंग कुछ है. सो ऑलमोस्ट हम बात करते हैं, सो ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन का प्रपोर्शन कंट्रीब्यूट करती हैं. पर रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए आपने, 14.44% है. फिर रोल स्टीरियोटाइप्स, कि जैसे कि जो फैमिली के काम है, जैसे मान लीजिए कुकिंग, फूड कुकिंग हो गया, राइट, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग ऑफ द हाउस, ये सारी चीज़ें किसके रोल में आते हैं, वुमेन के. वुमेन जैसे ये वुमेन का जो है कॉस्ट्यूम्स, ऐसे वैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे टॉक करना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, दीज आर द स्टीरियोटाइपिंग. ओके, सो ये सब चीज़ें हो गई. सो गैप इन दी मेल फीमेल लिटरेसी, सो एजुकेशन डायमेंशन में आप देखोगे तो लिटरेसी रेट भी वुमेन की बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेन. क्यों? क्योंकि या तो फैमिली में वुमेन एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया जाता है, अगर घर पे कई सारे बच्चे हैं तो लोग क्या, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना जो बॉय होगा, जो उनका लड़का होगा, उस पर रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़की की तो शादी हो जाएगी तो दूसरे घर में चली जाएगी, सो हमारा जो मनी है वो वेस्ट जाएगा. सीरियसली, रूरल एरियाज़ में आप चले जाएं, स्ट्री पीपल टॉकिंग लाइक दैट ना. तो ये हो गया, बट इम्प्रूव हुआ है, बहुत लेवल तक इम्प्रूव हुआ है इन सब चीज़ों में, बट स्टिल देयर इज़ अ रूम जिस पर काम किया जा सकता है. देन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट गर्ल्स इन द स्कूल, जैसे टॉयलेट्स हो गए, राइट,
बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से ड्रॉप आउट्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते। देन डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आप देखोगे, एक तो फीमेल फोर्टिसाइड, मतलब पहली बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, या मेटरनल मोर्टैलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट हो गया, या डावरी की वजह से डेथ हो गया, तो ये सारे इश्यूज़ हैं, ये जो डेथ हैं दीज आर द कॉज ऑफ कंसर्न। और ये कहीं ना कहीं दीज आर दी ये फीमेल फोर्टिसाइड होता है तो क्यों होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है। राइट, इन्फेंट मोर्टैलिटी कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वुमेन हेल्थ को इतना फोकस नहीं किया जाता। मैटरनल मोर्टैलिटी रेट क्यों है हाई इतना, क्योंकि वुमेन हेल्थ पे को इतना फोकस ही नहीं किया जाता है घर पे। ओके, तो दीज आर द रीज़न फॉर द डेमोग्राफिक इम्बैलेंस। देन पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, दिस इज़ द कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारे जो जो डिसीजन मेकिंग होती है घर में, वो जो हाउस होल्ड का जो हेड होता है वो मेल मेंबर्स होता है, उसके द्वारा लिए जाते हैं। ग्लास सीलिंग्स की वुमेन का, जैसे ग्लास सीलिंग्स कह दिया जाए कि वुमेन को एक दायरा मेंटेन कर देना, या वुमेन को फॉर मतलब टीचिंग जॉब में प्रिफर करना, या तो मेडिकल में नर्स रोल पे प्रिफर करना, इस तरीके के बहुत सारे जो हैं ग्लास सीलिंग्स लगा दिए जाते हैं। देन सेफ्टी कंसर्न, ये एक मेजर इश्यू है। देन डिफरेंशिएशन इन दी सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये भी बहुत मतलब मेजर इशू है, सोशल मेजर सोशल इशू है जिस पर काम किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमें इसमें ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करना होगा, हमें अपने आप को, सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपको भी लगता होगा ना कि यू आर सो मॉडर्न, आपको लगता होगा मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, मैं तो जेंडर इक्वालिटी को एकदम सपोर्ट करता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता हूँ। राइट, आई एम अगेंस्ट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बट आप देखोगे कि ये जो वुमेन इन जो जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इतना डीप रूटेड है कि वो आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं दिखेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते सुना है, आपने भी देखा होगा अपने आसपास, लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं जेंडर इक्वालिटी वुमेन एम्पावरमेंट की, जब बात अपने घर में आती है डिसीजन लेने की तो लोग उसे लागू नहीं करते, फिर सब भूल जाते हैं, सारा सारा ज्ञान मतलब भूल जाते हैं, निकल जाता है उनका, होता है ना ये चीज़ें। आप अगर अभी नहीं की हो तो आप ऑब्जर्व करना शुरू करना कि आप किसी भी पर्सन से जेंडर इक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करना, फिर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, किस तरीके से लोग बिहेवियर करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ना अलर्ट रहो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा इशू है, ऐसा ऐसा टॉपिक है जो अपने आसपास आप एक शार्प ऑब्जर्वेशन रखकर भी इसका आइडिया लगा सकते हैं। वर्क एंड फैमिली का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वही डिवीज़न ऑफ लेबर एंड ऑल, दैट इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर, तो दीज आर द कॉज ऑफ कंसर्न। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप यही मेंशन करोगी जो करोगे, या जो कॉज ऑफ कंसर्न है कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है क्यों इतना मेजर इश्यू है, क्योंकि जेंडर ग्लोबल गैप रिपोर्ट 2021 है, ये निकाली जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और 2021 रिपोर्ट में जो इंडिया की पोजीशन है वो 28 पोजीशन नीचे गिर गई है, और अभी इंडिया की पोजीशन क्या है, 140th रैंक है आउट ऑफ 156 कंट्री। कैन यू सी कि कितनी वर्स्ट पोजीशन है इंडिया में जेंडर गैप, जो जेंडर गैप रिपोर्ट है। देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को ज़रूर मेंशन करना, जिसमें बात की जाती है बहुत सारे बात है कि एक फैक्ट मैंने बस यहाँ इंक्लूड किया है, जो लीगल एज है वुमेन की ना, तो उससे 23.3% ऐसे गर्ल्स हैं उसके पहले शादी हो जाती है। राइट, सेंसस 2011 जो है वो कहता है कि जो पॉपुलेशन, जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन कह रहे हैं ना, दिस इज़ द एग्जैक्ट फिगर, 48.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, ये हो गया आपका, तो इस तरीके के ये फैक्ट है ना, इन्हें आप अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करना टू सपोर्ट योर जस्टिफिकेशन कि वुमेन एम्पावरमेंट इज़ सच अ बिग इशू होकर या बिग कंसर्न, ओके, इन इंडिया, इन इंडियन सोसाइटी, तो ये ज़रूर मेंशन करना। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, हम जो बात कर रहे हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा है, तो गवर्नमेंट का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत सारे डायमेंशन में काम किया है, जैसे कि सोशल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन एंड एजुकेशन डायमेंशन, और इन सभी डायमेंशन में या तो गवर्नमेंट कोई स्कीम्स लाई है, या लेजिस्लेशन लाई है, या बजट में कुछ इंक्लूड किए हैं, या एनजीओज एंड सिविल सोसाइटीज़ के साथ
कोलैबोरेट करके काम कर रही है या पॉलिटिकल प्रोग्राम्स ला रही है जिससे अवेयरनेस फैलाया जा सके। तो सोशल में जैसे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स लाया गया है, सोशल इशूज में जैसे कि लेजिस्लेशन की बात करें तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, राइट। अगर पॉलिटिकल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जिसमें वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, इसके बाद से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लेजिस्लेशन में है कि वुमेन को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन दिया जाए, तो इसका बिल अभी पेंडिंग है, बट ये एक एफर्ट है, इसे किया पास किया जाना चाहिए। ओके, देन इकोनॉमिक की बात की जाए तो बहुत सारे हैं, जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गई, राइट, वन स्टॉप सेंटर स्कीम हो गई, तो इस तरीके के स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गए जैसे। ओके, इसी तरीके से साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन, राइट, तो बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई है इनके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को भी मेंशन करना कि नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड जो लाया गया था, फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया, राइट, डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग एक्ट लाया गया। इस तरीके से आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेजिस्लेशंस लाई है, बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई है, इन सब चीज़ों को मेंशन करना। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, बट स्टिल ज़रूरत क्या है, ये जो स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट ना, इनका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। जो लेजिस्लेशन जो लॉ है ऑलरेडी, उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। सी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, बट स्टिल क्या डाउरी केसेस होते नहीं है, स्टिल होते हैं, मर्डर भी होता है डाउरी केसेस के बाद से, डेथ भी होती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जिस्ट नहीं करता, स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो ज़रूरत है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज। और प्रेजेंट में जो 21st सेंचुरी के हिसाब से जिस तरीके से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का जिस तरीके से नेचर बदल गया है, तो उसे टैकल करने, एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो स्टेप्स नीड टू बी टेकन में अगर हम आएँ तो क्या किया, फिर वही सारी डायमेंशन हम करेंगे, राइट। और इसके साथ साथ हम सिर्फ ऐसा नहीं कि अर्बन वुमेन, आप सिटी में रह रहे हो तो अर्बन वुमेन की समस्याओं को देखकर करोगे, नहीं, अब इसको हमें कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। इसमें अर्बन वुमेन के बारे में भी मेंशन होना चाहिए, रूरल वुमेन एंड ट्राइबल वुमेन, इसके बाद से हर एज में, जैसे चाइल्ड गर्ल, टीनेजर्स, एडल्ट, सीनियर सिटीजन, सो हर कैटेगरी की वुमेन को दिमाग में रखकर आंसर लिखना है आपको, तभी आपका जो आंसर है वो मल्टी डायमेंशन में बनेगा। सो एक तो पहली बात, जो करंट स्कीम्स हैं उनको रिव्यू करना है, अपडेट करना है, ताकि इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, रेलेवेंट बनाया जा सके अकॉर्डिंग टू सोशल इंडिकेटर्स। इसके बाद से वुमेन लेड सोशल हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएँ, कोऑपरेटिव्स बनाई जाएँ, सेवा आपने सुना होगा, इसके आधार पर फिर जस्टिस वर्मा कमेटी ज़रूर मेंशन करना कि इनकी जो रिकमेंडेशन थी उस पर ध्यान दिया जाए, मेक इन इंडिया में वुमेन को पार्ट, मतलब इन्हें भी इंक्लूड किया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल दीज लॉज एंड ऑल, राइट, फिर बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, बेसिक एमिनिटीज़ एट द रूरल लेवल, राइट, डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टीरियोटाइप्स, रोल ऑफ द वुमेन, फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसे पास किया जाए। तो ये कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिससे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को सच में रियलाइज़ कर सकें, अचीव कर सकें। कंक्लूज कैसे करेंगे आप अपने इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो, कि जो लॉ है उनकी कमी नहीं है, दे आर एनफ, बट ये सिर्फ जो केवल हम लॉ ही ले आए, दिस इज़ नॉट द एनफ ना, हमें जो लॉज हैं उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम जस्टिस अचीव कर सकें, राइट। सो जो स्पेशल नीड्स हैं वुमेन की, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, राइट। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, इसको भी मेंशन करना, दिस इज़ द करंट न्यूज़, जिसमें जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, बट ज़रूरत है, वही फिर बात घूम फिर के आ जाती है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, फिर बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट लाई तो है, बट ज़रूरत वही है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, लोगों के बिहेवियर में चेंज करना, वुमेन लेड डेवलपमेंट को फोकस करना। और अगर आप वुमेन को एम्पावर करते हो, इट मीन्स दैट यू आर एम्पावरिंग द फ्यूचर जनरेशन। तो इस तरीके से आप चीज़ें, आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो इन अ पॉजिटिव मैनर, कि ऑलरेडी बहुत कुछ किया गया है, कुछ अभी भी कमियां हैं, देर इज़ अ रूम, देर इज़ अ स्पेस जहां पर काम करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम फ्यूचर में
एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हुए कि हम अच्छा कर सकें, हम जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसे अचीव कर सकें, या जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंकिंग को इम्प्रूव कर पाएँ, ये सारी चीज़ें आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ मतलब कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और फिर से वही चीज़ मैं कहूँगी कि आप जब भी इस टॉपिक पे आंसर लिखना, अपने आंसर को मल्टी डायमेंशन बनाकर लिखना, सभी डायमेंशन, सभी कैटेगरीज की वुमेन को मतलब ध्यान में रखकर आंसर लिखना। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।